हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरफिला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द लेटेस्ट मटेरियल दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द NCL ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर फील्ड। नाउ जिस मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ वो है बाइसन वॉल पैनल। मैंने बाइसन पैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बाइसन पैनल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एंड उस पर आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया है। सो आप उस वीडियो को देखिए, आपको वॉल बाइसन पैनल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड कमेंट सेक्शन को भी पढ़िएगा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पूछा गया है, मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे दिया है। नाउ आज की इस वीडियो में हम बाइसन वॉल पैनल के बारे में कंप्लीट में डिस्कशन करेंगे, लाइक एडवांटेज क्या है एंड कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, मीन्स टेक्निकलिटीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आपको हम बताएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ये इको फ्रेंडली है, बिल्कुल ही इको फ्रेंडली है, ठीक है, कोई मतलब पर्यावरण को ये हार्म नहीं करेगा। नॉर्मल जैसे ब्रिक काम करता है वैसे ही भी काम करेगा। सो ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है एंड इवन ये कोई भी हेल्थ हजार्डस प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा अगर कहीं भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में इसको इंस्टॉल करते हैं। बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, बहुत ही अच्छा है ये, ड्यूरेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म चलेगा ये एंड लाइक 15-20 ईयर्स के लिए आप भूल जाएगा एक बार आपने इसको इंस्टॉल करा दिया तो, ठीक है। मेंटेनेंस जैसे आप वॉल की मेंटेनेंस करते हैं वैसे इसकी भी एक मेंटेनेंस चाहिए होता है और बाकी कोई इशू नहीं है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, ओके, अप टू 800 kg मीन्स RCC ब्लॉक का जितना कैपेबिलिटी होता है उतना ये वेट जो है वो बियर कर सकता है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। नाउ साउंड प्रूफ, मैंने बताया कि साउंड प्रूफ है, मीन्स साउंड इंसुलेशन का काम करता है। इवन ये जो है वो टेम्परेचर इंसुलेशन का भी काम करता है, मीन्स अगर मान लीजिए आपने कहीं इसको इंस्टॉल कर दिया, इस माल फॉर एग्जाम्पल ये दो साइड्स हैं, ठीक है, ये दो साइड्स, इस तरफ मान लीजिए टेम्परेचर 50 degrees है, यहाँ पर वो टेम्परेचर को ट्रांसफ़र मतलब बहुत रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन कर देगा, मीन्स सो थर्मल रेजिस्टेंस की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, थर्मल को ये क्या करेगा, हीट को ये क्या करेगा, इंसुलेट कर देगा। सो अगर यहाँ 50 degrees है सो यहाँ का टेम्परेचर का 30 है तो वो मेंटेन करके रखेगा एंड उसका मेन रीज़न है ये सेंटर पार्ट, थर्माकोल जो है बहुत ही अच्छा थर्मल रेजिस्टेंस का काम करता है एंड इवन साउंड का भी काम करता है, साउंड इंसुलेशन का। आपने जनरली देखा होगा कि जो जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठंडी चीज़ें, उनको आप जनरली देखेंगे तो थर्माकोल के बॉक्स होते हैं, उसमें उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया या जहाँ पे आइस वगैरह को जहाँ रखते हैं, आपने मार्केट में इसको ज़रूर देखा होगा, वहाँ पर थर्मल बॉक्स का यूज़ किया जाता है। सो ये हीट इंसुलेशन साउंड प्रूफ का बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सो दैट इज़ वाई आई सेड ना कि ये जो बॉल्स यूज़ किए गए हैं इससे कई एडवांटेज हैं, ठीक है, लाइट वेट का काम किया, साउंड प्रूफ का काम किया एंड क्या हीट इंसुलेशन का काम किया। नाउ इसका एक और एडवांटेज है फायर रेजिस्टेंस, ठीक है, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, इसमें आग लगने के भी कोई चांस नहीं है, ओके, इस पर टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, इस पर अगर हीट कितना भी आप दे दें, ठीक है, एक नाउ हीट की भी एक कैपेसिटी है कि आग इसमें आप पेट्रोल डाल के नॉर्मली आग लगाएंगे तो पेट्रोल जल जाएगा, उसके बाद इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे सिंपली जो वॉल होता है उसमें भी आग नहीं पकड़ता, तो ऐसे इसमें भी आग नहीं पकड़ेगा। ऑलराइट, सो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जैसे नॉर्मली वॉल काम करता है उससे बेटर ये काम करेगा एंड बेटर एडवांटेज है, दैट इज़ वाई ये अच्छे से काम करेगा एंड इसकी इतनी ज़्यादा एडवांटेज है जिसकी वजह से इसको प्रेफरेंस दिया था। मैं भी इस मटेरियल को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे पार्टीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे ज़रूर क्लाइंट को ये मैं प्रेफर करूँगा बिकॉज आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस मटेरियल एंड मैं आप लोगों से बोलूँगा जहाँ पे आप वॉल पार्टीशनिंग कराना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में आप ज़रूर इसको यूज़ करा के देखें
आपको इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नाउ चलिए बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। सो मेरे पास इसकी टेक्निकल डिटेल्स की कॉपी है, आप देख सकते हैं कि पूरा टेक्निकल डिटेल्स किसका है, जिस पर टेस्टिंग किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस पे इसको अलग अलग मैकेनिकल टेस्ट किया गया हुआ है, एंड उसी के कुछ वैल्यूज़ हैं, वो चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं 50 mm थिकनेस की बात करूँ, ठीक है, नाउ 50 mm थिकनेस पे और जिसका लेंथ एंड विड्थ है मीन्स 2.4 meter क्रॉस 0.61 एंड दूसरा है 3 meter क्रॉस 0.61 meter, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस इसकी दी हुई है। अगर इसकी हम डेंसिटी की बात करें सेकेंड नंबर से, ठीक है, अगर हम डेंसिटी की बात करें, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगा डेंसिटी कम होगा। अब देखिए 50 mm की जो थिकनेस है उसमें देखिए पहला क्या है 694.9 एंड 689.10 डिपेंडिंग ऑन द लेंथ इनटू विड्थ, दैट द यूनिट इज इन केजी पर मीटर स्क्वायर, ओके, जिसकी डेंसिटी है। एंड इसके अगर 75 mm थिकनेस की बात करें सो ये है 613.5 एंड 616.2। नाउ अगर आप 50 mm से 75 mm थिकनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 694 से रिडक्शन हुआ है 616.2 kg per meter square। सो आप देख सकते हैं थिकनेस जैसे इंक्रीज होगा डेंसिटी कम होगा, ठीक है, क्योंकि वेट कम होता है। नाउ अगर हम इसके स्क्रू विदड्रॉल टेस्ट की बात करें, ठीक है, मीन्स इसमें जो पेनिट्रेशन है स्क्रू की, मतलब स्क्रू लगाने के बाद वो कितना वेट को बियर कर सकता है, ठीक है, मान लीजिए इसमें आपने एक स्क्रू फिक्स कर दिया, उसके बाद जब आप इस पर कोई चीज़ लोड डालेंगे उस पर्टिकुलर स्क्रू पे, तो वो कितने वेट तक उस वेट को वियर कर सकता है, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, वो स्क्रू या तो ब्रेक हो जाएगा या तो बाहर निकल जाएगा। सो इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक है। सो 50 mm थिकनेस की अगर बात करें तो 2140 newton टू 2260 newton की इसकी कैपेसिटी है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ इनटू विड्थ। एंड सेकेंड जो टेस्ट किया गया उसमें आया है कि जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2350 to 2520 newton है फॉर 75 mm थिकनेस की। अगर हम 100 mm की बात करें सो ऑब्वियसली 100 mm का जो है वो लमसम 2400 to 2500 newton होगा। ना अगर हम इसकी UDL की बात करें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल है, ठीक है, यहाँ से इस एज से लेके इस एज तक बेसिकली इस तरह से यूनिफॉर्म को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको ऐसे कर्व में यूज़ किया जाता है, कर्व सेक्शंस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, मींस इस पूरे सरफेस पे लोड कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम 10 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स अगर हम लगा रहे हैं सो इस पूरे सरफेस पे वो कितने इक्वली मतलब बराबर कैसे हर जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, अगर 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो हर जगह एक एक या 0.55 newton वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, बराबर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट होना एक सरफेस पे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। सो उसकी जब टेस्टिंग की गई सो उसमें क्या पाया गया कि जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम लोड वो है 200 kg 50 mm के लिए, 200 kg, ठीक है, एंड अगर हम 75 mm थिकनेस की बात करें तो 430 kg, ठीक, बट अगर हम लेंथ इनटू विड्थ के रिगार्डिंग बात करें सो वेट जो है उसमें रिडक्शन देखा जा सकता है 200 से 160 एंड 430 से 260 kg देखने को मिला। ये मैक्सिमम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड है, ओके, एंड इसमें डिफ्लेक्शन भी इंक्लूड किया गया है बेस्ड ऑन द mm थिकनेस 50 mm टू 75 mm। अगर हम बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करें टेस्ट की सो उसमें जो मेगा MPa मीन्स होता है मेगा पास्कल, ठीक है, तो 4.32 to 4.34 ये 50 mm थिकनेस में देखा गया है एंड 3.02 to 3.10 जो है वो 75 mm थिकनेस में देखा गया है, ओके। नाउ बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग स्ट्रेंथ कोई मटेरियल है, जैसे आपके पास कोई मटेरियल है, अब इसमें हम बेंड करें, मान लीजिए वॉल होता है, वॉल मान लीजिए 10 feet का वॉल है, ठीक है, 10 feet का वॉल है, अब जब आप वॉल पे अप एंड डाउन जब ये फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे बेंड होता है मटेरियल। जैसे आप पेपर का एक पीस ले लीजिए, अगर आप पेपर को
अप एंड डाउन होल्ड करके उसको आप प्रेस करेंगे तो वो कर्व शेप बनाता है, ठीक है। सो बेंड हो रहा है, सो उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी है, मीन्स कितना फोर्स मैक्सिमम वो वियर कर रहा है, उसके बाद अगर फोर्स लगेगा तो पेपर क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। उसी हिसाब से वॉल भी होता है, जब वॉल नीचे से, तो मान लीजिए वॉल क्या होता है, फिक्स हो जाता है, एंड ऊपर क्या होता है, लोड लगता है। जब वॉल पे जो छत का जो स्लैब का लोड आता है, तो अगर उस पर हम लोड लगाते हैं, सो इतना लोड लगा दें कि एक मैक्सिमम पॉइंट होगा जब तक वो जो वॉल है वो वियर करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें कर्व शेप आना स्टार्ट हो जाएगा एंड वॉल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इन द सेम वे इसकी भी एक बेंडिंग स्ट्रेंथ है। अगर हम इसमें, फॉर एग्जांपल ये हमारा वॉल है, अगर यहाँ ये आप देखिए, अगर हम इसमें ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे इसको अगर हम प्रेस करें ऐसे, ठीक है, मीन्स ये तो हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। बेंडिंग में क्या होता है कि अप एंड डाउन फोर्स लगता है, ट्रांसवर्स फोर्स लगता है, ये जो कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो गया, मीन्स ऐसे आप समझिए एक ऊपर से और एक नीचे से दो जगह से जब फोर्स लगेगा, ठीक है, सो उसमें क्या होगा, एक पॉइंट के बाद ये क्या होगा, बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, बेंड होकर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। सो इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है वो मेगा पास्कल है, ठीक है। सो आप देखिए 4.32 से 4.34 एंड 3.02 से 3.10 इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ है। ये मैक्सिमम है इसकी टेस्टिंग जो की गई है लैब में उसके अकॉर्डिंग, एंड टेक्निकलिटीज़ मैंने ऑलरेडी जो इमेज है उसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। सो आप ये देख सकते हैं वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी में बन गई है, दैट इज़ फाइन, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि इसके एडवांटेज कितने हैं, बाइसन वॉल पैनलिंग होता कहाँ पे है, इसको बेसिकली वॉल पार्टीशनिंग में यूज़ करते हैं, एंड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। आई होप कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाएंगे जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी, एंड मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप इस मटेरियल को जहाँ पे भी पार्टीशनिंग करानी हो, वॉल पार्टीशनिंग, वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली यूज़ करिए। इसके और भी एडवांटेज हैं, बट वो मैं बताऊँगा इंस्टॉलेशन के टाइम, ठीक है, वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, इसी पे आएगा सेम टॉपिक पे, बट उसमें मैं बताऊंगा कि कितने थिकनेस में है, एंड थिकनेस में से मैंने बता दिया है, बट मैं फिर भी उसमें बताऊंगा कि कितने थिकनेस में है, उसकी प्राइसिंग क्या है बेस्ड ऑन द थिकनेस, सेकंड थिंग हाउ टू इंस्टॉल एंड व्हाट आर द अदर एडवांटेज। अभी क्वेश्चन माइंड में आएगा कि क्या इस पैनल में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या इसमें हम क्या इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग वगैरह काम करा सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए कि ये होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, वो सब मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो अगेन NCL ग्रुप ऑफ कंपनीज वही है जिसने इस मटेरियल को बनाया है, एंड वन थिंग कि NCL ग्रुप ऑफ कंपनीज हमको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज ये प्रोडक्ट अच्छा है दैट इज़ वाई मैं आपको बता रहा हूँ, एंड ज़रूर आप इसको यूज़ कराएं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इफ़ यस देन गिव थम्स अप, एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।